छः महीने से काम धीरे धीरे धीरे, तो फिर भी कुछ ना उतना हो रहा था, अब बिल्कुल भी काम हो गया। 5-6 हज़ार हो जाता पहले, अभी तो 3-4 हज़ार में जरूर। घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech announced that India will ban single-use plastic. Plastic is cheap, plastic is convenient, but it also destroys our environment. And it also employs lakhs and thousands of people. Today, here we are in Delhi's Khichdipur area, in a waste collection area where ragpickers collect waste from our homes, from our companies and bring it here to segregate. The ragpickers claim that their business has been hit hard since the announcement. We're going to talk to them to find out what are their issues and how exactly is ban on single-use plastic going to affect their business. Let's find out. दस साल कूड़े का काम कर रहे हैं, रद्दी का। जब आए थे तो 500 रुपये कमा रहे थे रोज, फिर बढ़ा क्या कि अब घट गए, अब घट गए तो मुश्किल पड़ रहा है 150-200 रुपया। आप बताइए बच्चे के कैसे हम संभाल पाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे? अभी कहाँ है, अभी तो बोल रहा सरकार प्लास्टिक बंद करके देगा, हम लोग क्या करके खाएगा? कचरा यहाँ दिख रहा है, कचरा किसका है? मेरा नहीं है, ये जो लोग काम कर रहे हैं कचरा इनका नहीं है, कचरा आपके घर का है, आप लोगों के घर का है। वो कचरा लाके सेग्रीगेशन करके, छटाई करके ये लोग बेचने का काम करते हैं और उससे इनका पेट चलता है। ये लोग जो काम करते हैं एक सैनिक के तरह करते हैं, जिस तरीके से बॉर्डर पर लोग काम करते हैं। सरकार ने जो प्लास्टिक पर बैन लगाया, मैं सरकार को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सरकार को ये तो कम से कम बताएं कि हम किस कैटेगरी में कौन सा प्लास्टिक को बंद कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, या सारा प्लास्टिक बैन कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं जिस दिन से बोले हैं कि प्लास्टिक बंद हो रहा है, सबके चेहरा उतरा हुआ, इनके बच्चे देखिए घर में इनके रोटी नहीं बनता है। ये जो बोतल दिखाई दे रहे हैं, जो ले रहे थे वो मना कर रहे हैं, ये गत्ता दिखाई दे रहा है ये भी मना कर दिए, प्लास्टिक है वो भी मना कर रहे हैं, तब घर में बैठ के किराया भी देना चाहिए तो कैसे दे पाएंगे? तो पहले का दौर में हम 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेते थे, ठीक है, 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेते, उसी में हमारा बिजली बिल था, लेबर था, ठीक है, तो जो भी खर्च काट के हमें कुछ न कुछ बच जाता था 10 से 15-20। 2-3 साल से रेट बिल्कुल डाउन हो गया, उसके बाद सुनाई आया तो प्लास्टिक बैन कर रहे हैं, तो हम अपनी लेबर को बंद कर बोल दिए कि भाई ये प्लास्टिक मत लाना, ताकि आगे प्लास्टिक जाएगा नहीं। अब वो लेबर है जो कि कह रहा है कि जब नहीं जाएगा सर तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे अपने बच्चे को पालेंगे, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, इस दरमियान समझे कि भुखमरी सी आ जाएगा। सरकार तो इसके जगह पर बंद किया है, तो इसके जगह पर तो जरूर कुछ ना कुछ बनाएंगे, हैं? तो उससे तो रेट हम सबके बढ़ना चाहिए। The ragpickers say that they're not against the ban on single-use plastic. However, their request is that any policy the government plans to make on plastic, they should be part of it, because plastic is their bread and butter and they are at the lowest of the ladder. You're watching Times of India and this is Waste Warriors.